इस डॉक्टर ने कोरोना वायरस के दौर में जो देखा वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने फिर से देश को अपनी चपेट में ले लिया। विशेषज्ञों की माने तो वायरस का ये स्ट्रेन पिछले वाले से ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है। मामले की भयावहता को दर्शाने के लिए आंकड़े काफी हैं। हम आप लोग तो फिर भी घरों में हैं, मगर हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ये काफी मुश्किल समय है। मशहूर एक्ट्रेस हैं अमृता सुभाष, गली बॉय, सीक्रेट गेम्स और बॉम्बे बेगम्स जैसी फिल्मों और वेब सीरीज का हिस्सा रह चुकी हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट को लिखा है दिल्ली बेस्ड डॉक्टर सांद्रा सेबेस्टियन ने। सांद्रा अपने इस पोस्ट में एक तस्वीर के साथ ये बता रही हैं कि उन्हें हेल्थ केयर वर्कर होने के नाते इस मुश्किल परिस्थिति में क्या क्या देखना पड़ रहा है और वो कितना डरावना है। सांद्रा का ये पोस्ट अंग्रेजी में है, आइए हिंदी में जानते हैं उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा, उन कुछ लोगों के लिए जो इसे पढ़ने की जहमत उठाएंगे, मैं आपको अपने जीवन के बीते दो हफ्तों की झलक दिखाना चाहती हूँ। मैं लोगों से कह रही हूँ कि उनका 22 साल का बेटा मर गया। मरीजों से झूठ बोल रही हूँ कि वो ठीक हो जाएंगे, जबकि मुझे अच्छे से पता है कि वो ठीक नहीं होंगे। मैं महिलाओं को पीड़ा में रात भर रोता देख रही हूँ, अपने सामने लोगों को टूटते बिखरते देख रही हूँ। मेरी एक पेशेंट जिन्हें मेरी दोस्त ने इंट्यूबेट किया, उसके आखिरी शब्द थे, मुझे मरने मत देना। घर पर मेरे 11 और 4 साल के दो बच्चे हैं, वो नहीं रही। बच्चों को ये बताना कि उन्हें उनकी माँ की बॉडी नहीं मिलेगी। हमारे सामने हाथ जोड़कर अपने बच्चे की जिंदगी बचाने की भीख मांगने वाली महिलाएं, पैक हो चुकी लाशों को देखना और खुद से कहना है, सोचना बंद करो और काम करो। मैं मेहनत से काम कर रही हूँ, ये सोचकर कि जब मेरे माता पिता कोविड की वजह से अस्पताल में भर्ती होंगे तो वहाँ के हेल्थ केयर वर्कर भी ऐसा ही करेंगे। ड्यूटी से वापस आना और ये सोचकर रोना कि मुझे मजबूरन क्या क्या देखना और करना पड़ रहा है, ये सोचकर रोना कि काश मैं उन लोगों के साथ थोड़े और धैर्य और प्यार से पेश आती जो आज घुट घुट कर मर रहे हैं। 6 घंटे तक पीपीई किट में ये सोचकर चिंतित रहना कि कहीं मैं एक्सपोज तो नहीं हो रही या कहीं मैं भी अपने मरीजों की तरह मर तो नहीं जाऊंगी, ये चीजें आपको प्यारा इंसान तो नहीं ही बनाती। जो दुख दर्द मुझे एक दर्शक के तौर पर महसूस हो रहा है, वो मरीजों और उनके रिश्तेदारों के दर्द के सामने कुछ नहीं है। मेरी ओवरथिंकिंग की हद यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मैं खुद से पूछती हूँ कि क्या मुझे अपने घर वालों को ये बताना चाहिए कि अगर मुझे कोविड होता है तो वो मुझे इंट्यूबेट ना करें। मेरा यकीन करिए, आपका लॉकडाउन मुश्किल नहीं है। आपने वो भयावहता नहीं देखी जो हम देख रहे हैं। काश मैं आपको उस दुख दर्द के वीडियोस दिखा पाती जो मैं देख रही हूँ, ताकि वो वीडियो लोगों को इतना डरा दे कि वो अपने घर से बाहर न निकले। इसे सिर्फ मुश्किल कहना मामले की भयावहता पर पर्दा डालने जैसा होगा। मैं ये दुख दर्द नहीं देखना चाहती, हम में से कोई भी नहीं देखना चाहता। हमें इसके लिए मजबूर मत करिए। आप लोग हम पर एक एहसान करिए। मैं आपसे घर में रहने के लिए नहीं कह रही। मैं समझती हूँ कि सबके पास वो सुविधा नहीं है, मगर जब आप बाहर निकलें तो अपने मास्क पहने रखिए। ये सारी बातें जो आपने ऊपर पढ़ी, ये एक डॉक्टर कह रही है, इसलिए मामले की गंभीरता को समझिए। अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और हाँ, जब घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहनिए। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।